मेरा नाम आनंद उपाध्याय है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। एक्चुअली देखिए, बाबा की कृपा है, बागेश्वर धाम की कृपा है, जितने भी जुड़े हैं। सबसे पहली बात तो हम हिंदू हैं। अब हम बोले तो हिंदू तो जहाँ बाबा जी जाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं जातिवाद पर बात नहीं करना चाहता। हिंदुत्व बोले तो एक अपनापन लगता है भाई, चलो हमारे बागेश्वर बाबा हैं, बजरंग बली की कृपा है, हैं, और उसके बाद एक पंडित भी ठहरे हैं, हम भी पंडित हैं, तो पंडित पंडित से जुड़ता है, तो एक आध्यात्मिक ज्ञान की विस्तार होता है। कथा कहते हैं, कथा कहने के बाद जो कथा कहने का तरीका है, बताने का जो तरीका है, हमको अच्छा लगता है। हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, और हम सभी को बोलेंगे जो भी कथा मतलब सुनना चाहता है, बागेश्वर साहब धाम पे जुड़े, कथा सुने, और बाबा की कृपा तो सदैव रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो बजरंग बली है, इस कलयुग के राजा ठहरे, उद्धार करने वाले देवता। तो अब हम यही करेंगे, जितने भी हिंदू लोग हैं, जुड़े बाबा से, बाबा से जुड़े, अपने कल्याण करें, बस यही करना चाहता हूँ मैं। देखो, बाबा जी भी बोलते हैं, कहने वाले कहते हैं, करने वाले करते हैं, तो हमें उस पर ध्यान नहीं दो। आपको भी, आप भी एक न्यूज वाले हो, तरह तरह से लोग आते हैं, बातें करते हैं, तो बस बोलते हैं ना बाबा जी, कहने वाले तो राम को नहीं छोड़े, हम तो आम है। हाँ जी, कितनी दूरी से आए हैं आप? अब दूरी भैया समझ लो, बिहार हैं, कितना दूरी आप अंदाजा लगा लो। कैसे आप तो प्रभावित कैसे इतनी दूरी से आप आए हैं? आपने बताया 1300 किलोमीटर लगभग। अचानक मन में प्रेरणा हुई, चलो भाई कथा सुनेंगे, शायद हमारे पूर्वजक पुण्य बोल, बाबा जी बोलते हैं कि कथा में हर कोई शामिल नहीं होता है, जिनके पूर्वज पुण्य करते हैं उनको ये मौका मिलता है कि कथा जाके सुने, शायद हमारे पूर्वज पुण्य किए होंगे, प्रेरणा लगी तो हम आए। आपने कथा सुनी, कथा में कथा सुनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आया बहुत। भक्ति जागी, द्वेष घृणा, ये सब जो पहले करता था, कुसंगी, ये सारे के सारे में जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मैं बोलता नहीं कि पूरा ख़त्म हो गए, ख़त्म हो रहे हैं, बट आने वाले समय में हम जुड़े हैं तो शायद ख़त्म हो सकता है। बस इस चीज़ को मानना है, दिल से मानना है, विश्वास करना है, तो चीज़ें ख़त्म होती है। वरना आप 100 बार आइए, 100 कथा सुनिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप दिल से किसी चीज़ को अपनाएंगे नहीं, तो वो चीज़ आपसे जुड़ने वाली है नहीं। भैया हम इस पर मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, हम दरबार के चक्कर में आते नहीं हैं, बालाजी से जुड़ने आते हैं, बजरंग बली से आते हैं। बजरंग बली हम भी पहले भी बहुत कृपा किए हैं, थोड़ा रास्ता हम भटक चुके थे, जिसके कारण हम फिर बजरंग बली से जुड़े हैं। बस यही हमारे, हम कोई जादू के चक्कर में नहीं आते, व कोई इस चक्कर में नहीं आते। बदनाम करते हैं लोग, उनके लेकर आप क्या कहेंगे? आप हिंदू हैं, एक आपने बताया। देखिए, बात हिंदू की नहीं है, बात बदनामी की नहीं है, समझने का नज़रिया अपना है, बोलने का तरीका अपना है, बस मेरा कहना यही है भैया। समझे तो मानो तो शंकर, नहीं तो कंकड़, सीधी सी बात, आप जानते हैं इस बात को भी।